सामने आज लेकर आ गया हूँ मैं शशिकांत उपाध्याय। प्रगत कंप्यूटर वर्ल्ड के माध्यम से आज की क्लास में हम सीखेंगे उन इनपुट डिवाइसेस के बारे में जो इनपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस पिछली कक्षाओं में हमने आपको जानकारी दी थी इनपुट डिवाइसेस के बारे में, थोड़ा सा दोहरा देते हैं कि इनपुट इन यानी अंदर, पुट यानी रखना, अर्थात वो डिवाइसेस जिनके द्वारा डाटा हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है, उनमें प्रयोग होने वाले कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से यंत्र हैं, आज हम उनके बारे में। तो जिसमें दो इनपुट डिवाइसेस ऐसे हैं जो पॉपुलर हैं, फेमस कह सकते हैं, प्रसिद्ध हैं, जिनमें कीबोर्ड और माउस, इन दो का जिक्र अधिक होता है। ये दो हमारे कंप्यूटर सिस्टम जब हम परचेज करते हैं तो उस दौरान भी हमें ये दोनों मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, और ऐसे में इनके अलावा इनपुट डिवाइसेस जो कुछ भी है वो इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग हम जरूरत के मुताबिक करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, आइए कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक प्रारूप नजर आ रहा होगा कीबोर्ड का, कीबोर्ड में डेस्कटॉप कंप्यूटर के कीबोर्ड की बात करें तो 101 से लेकर 105 कीज होती है। इन कीज को हम देख भी सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन ये कीज पांच अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई है, जिनमें पहली देख सकते हैं हम, जिसे अल्फाबेटिक कीज यानी ए से लेकर जेड तक के अक्षर लेटर टाइप करने के लिए, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर किसी भी मोड में हम टाइप कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक केस जिसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर प्रिंट होते हैं, और हम यहां से 0 से लेकर 9 तक या 1000 से 100 लाख तक की नंबरिंग ले सकते हैं। तीसरे क्रम में आते हैं हमारे कीबोर्ड के सबसे ऊपरी पंक्ति में F1 से लेकर F12 तक, जिन्हें हम फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं। फोर्थ जो कि हमारे चार एरो एक साथ नजर आते हैं, और इन एरोज का कार्य होता है हमारे कर्सर को मूवमेंट देने का, तो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, इन्हें हम एरो कीज के नाम से भी। ये कीज हमारी चार प्रकार की कीज, और इनके अलावा दिखने वाली जितनी भी कीज हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन दाहिनी तरफ हम देखें तो यहां पे हमें नजर आ रहा है न्यूमेरिक पैड। ये न्यूमेरिक पैड हमारे कीबोर्ड में एक कैलकुलेटर जैसा होता है, इससे हम कैलकुलेशन का कार्य आसानी से कर सकते हैं। स्पेशल कीज में आने वाली कीज जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, स्टेप बाय स्टेप हम सभी कीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहली की के बारे में बात कर लें। तो यहां हमारी सबसे पहली की नजर आ रही है एस्केप की, जो कि आप यहां पे देख रहे होंगे सर्कल में हमने इंडिकेट किया है। एस्केप की का लोकेशन हमारे कीबोर्ड के सबसे ऊपर बाईं तरफ कॉर्नर में होता है। एस्केप की का यूज करते हैं कैंसिल, जिस तरीके से कोई भी एक्शन हमने लिया उसको कैंसिल करना हो तो हम एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी की जिसे हम टैब के नाम से, टैब का लोकेशन देख लें कीबोर्ड में, तो ये हमारा टैब का लोकेशन यहां पे हम देख सकते हैं कि हमने
टैब को देख लिया, ये देखिए यहाँ पे हमारा टैब। टैब का यूज होता है कर्सर को एक निश्चित स्थान पर पहुंचाने का। जिस तरीके से हम टाइप करते हैं लेटर को, उस लेटर से वर्ड बनते हैं और वर्ड से एक सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। सो ऐसे में किसी भी पैराग्राफ को बनाने के लिए टैब की जरूरत होती है और टैब का यूज हम कर सकते हैं। दूसरे में कह लें तो हमारे जो डायलॉग बॉक्स उपस्थित होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वहाँ पे डायलॉग बॉक्स के बटन्स पर भी पहुंचने के लिए हम टैब का यूज करते हैं अलग अलग प्रकार। तीसरा हमारा आता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक हमारे कीबोर्ड में तीसरे स्थान पे यहाँ नजर आता है, एक टैब बटन के नीचे। कैप्स लॉक का यूज होता है अल्फाबेट यानी ए से लेके जेड तक को कैपिटलाइज करना, यानी बड़े अक्षर में। बाय डिफॉल्ट हमारा कंप्यूटर स्मॉल लेटर में टाइप करता है, लेकिन अगर हम कैपिटल में टाइप करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो कैप्स लॉक एक की है, एक बटन है जो स्विच का काम करके इसको ऑन करते हैं और न्यूमेरिक पैड पे ये एक लाइट से शो करती है कि ये ऑन मोड में है, तो वहां पे हमें कैपिटल लेटर में टाइप करने का मौका। नेक्स्ट तीसरी बात करते हैं शिफ्ट की, जिसकी संख्या हमारे कीबोर्ड में दो होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक हमारे राइट साइड में। ये की बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी का इस्तेमाल हम कई प्रकार से करते हैं। पहला तो ये कि हम अगर स्मॉल लेटर में हैं तो कैपिटल लेटर कर सकते हैं इसको प्रेस करके इसके साथ में। दूसरा अगर हम कैपिटल लेटर में हैं तो स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। देन इसका इस्तेमाल और भी किया जाता है, जैसे शिफ्ट से सिलेक्शन करने के लिए शिफ्ट और एरो की का यूज करते हैं। शिफ्ट का यूज हम कीबोर्ड में कुछ कीज ऐसी होती हैं जिनकी के ऊपर भी कुछ सिंबल्स बने होते हैं और इनका प्रयोग करके हम उस सिंबल्स को भी ला सकते हैं। ऐसे में शिफ्ट का प्रयोग हम बखूबी टाइपिंग के दौरान आसानी से कर सकते हैं, इसलिए टाइप यहाँ पे आपको शिफ्ट की संख्या दो दी गई है, लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है कंट्रोल यानी CTRL। CTRL का लोकेशन अगर हम देखें तो CTRL आपको शिफ्ट के ही नीचे लेफ्ट साइड में भी और शिफ्ट के नीचे राइट साइड में दोनों तरफ दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंट्रोल की संख्या भी दो है और कंट्रोल की संख्या दो इसलिए दी गई कि अगर ये आपको कंट्रोल की का यूज करना है तो आप लेफ्ट हैंड से या फिर राइट हैंड दोनों तरफ से जिधर से भी आसानी हो कर सकते हैं। कंट्रोल का इस्तेमाल होता है कंट्रोल करने, नियंत्रण में करने के लिए, यानी कुछ कमांड्स होते हैं जिन कमांड्स से हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, तो उनके लिए शॉर्टकट होते हैं। वो शॉर्टकट हमारे कंट्रोल के माध्यम यानी CTRL की के माध्यम से ही यूज किए जाते हैं, जैसे कि कंट्रोल O, कंट्रोल N, कंट्रोल C, कंट्रोल X एक्सेट्रा। अगले क्रम में आते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे अल्ट। अल्ट की का इस्तेमाल हम करते हैं मेन्यू को ओपन करने के लिए, तो अल्ट की का लोकेशन हम देखना चाहेंगे कि अल्ट की कहाँ है, तो अल्ट की का यूज आप कैसे करेंगे ये जानने के लिए आपको अल्ट की के बारे में पहले जान लेना होगा कि अल्ट की मिलेगा कहाँ। तो हम अल्ट की का लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्ट की हमारे लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों तरफ दिख रही है, तो की संख्या इसकी भी होती है। ये अल्ट की का प्रयोग करके हम मेन्यूज को ओपन करते हैं। मेन्यूज यानी हमारे कमांड्स मेन्यू में स्थित होते हैं और उन मेन्यूज को अगर हम कीबोर्ड के द्वारा ओपन करना चाहते हैं तो अल्ट की का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट से जुड़ा हुआ उस मेन्यू का पहला अक्षर अधिकतम एक लेटर के साथ होता है जो कि हम अल्ट के साथ यूज करते हैं और मेन्यू को ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्रम में हमारे आता है विन की। विन की हमारे अल्ट और कंट्रोल के बीच में होती है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये यहाँ लोकेशन और यहाँ पे दोनों जगहों पे विन की हमें मिलती है। विन की का इस्तेमाल हम करते हैं स्टार्ट बटन को ओपन करने। नेक्स्ट हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं जो कि आगे हमारा स्पेस बार। हमारे कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन यानी सबसे बड़ी की बात करें तो आप देख कर समझ रहे होंगे ये आपको जो सबसे बड़ी बटन नजर आ रही है वो है स्पेस बार। स्पेस बार में आप यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि स्पेस बार आपको ये इस की का इस्तेमाल करते हैं स्पेस देने के लिए। स्पेस
अर्थात एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में यदि स्पेस ना हो तो वो शब्द पढ़ा नहीं जा सकता, तो ऐसे में वो स्पेस देना जरूरी है और स्पेस देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पेस बार। तो यहाँ पे स्पेस बार के आगे बात करते हैं पॉइंटर की। पॉइंटर की का लोकेशन देख लें हम, तो पॉइंटर की हमें नजर आएगा यहाँ पे, ये देखें आप कंट्रोल और अल्ट के बीच में यहाँ नजर आया आपको, सॉरी विंडो की और कंट्रोल की के बीच में हमको नजर आ रहा है पॉइंटर की। माउस, माउस का नाम हमने सुना होगा, माउस की जो राइट बटन होती है उसमें कुछ मेन्यू दिए होते हैं, उन ऑप्शन को खोलने के लिए, उस मेन्यू को ओपन करने के लिए हम इस की का इस्तेमाल करते हैं। इन केस यदि हमारा माउस किसी कारणवश नहीं काम कर रहा है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं राइट क्लिक करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंटर। इंटर की यानी इंटर यानी प्रवेश करने के लिए, जैसे कि हम एक लाइन में हैं और दूसरी लाइन में प्रवेश करना चाहते हैं तो ऐसे में हमारी कीबोर्ड में इंटर की भी दी गई है जो इंटर करते हैं। या फिर दूसरे रूप से यदि किसी कमांड बटन को हम एक्टिव करना चाहते हैं तो वहां पे भी हम इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बटन के इस्तेमाल से वो प्रोग्राम में दिया गया जो भी ऑप्शन है वो एक्टिव हो। तो इस तरीके से स्पेशल कीज में बैक स्पेस की बात करें तो बैक स्पेस की हमारी इस लोकेशन में मिलती है। जो स्पेस हमने दिया एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर या एक वर्ड से दूसरे वर्ड में, वो स्पेस को हम यदि मिटाना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, या यूं कह लें तो लेटर को मिटाना चाहते हैं, तो उस लेटर को मिटाते हुए ये हमारा कर्सर पीछे की तरफ जाता है और बैक स्पेस की इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगले क्रम में आते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट यानी चिपकाना होता है या बाहर से कोई चीज लाना होता है, तो इंसर्ट की का इस्तेमाल करने से एक आपको फायदा ये भी होता है कि इंसर्ट की का इस्तेमाल अगर आपने इंसर्ट की को ऑन रखा है और आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आगे लिखे हुए जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली मिटते जाते हैं, ये भी यूज होता है। और अलग अलग प्रोग्रामों में इंसर्ट का यूज हम पेस्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट होम की, यानी कि होम की लोकेशन हम आपको दिखा दें, यानी कि ये रहा आपका होम। होम की का यूज करते हैं पैराग्राफ में जो पहली लाइन या दूसरी लाइन जिस भी लाइन में हम हैं, कर्सर को मेन फर्स्ट कैरेक्टर तक पहुंचाने के लिए हम होम की का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पे हम आगे बात कर लेते हैं एंड की। एंड की यानी कि उस दी गई लाइन में अंत में जाने के लिए हम एंड की का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों की एक साथ यूज कर सकते हैं आप, होम यानी सिरे पर जाने के लिए, एंड यानी अंत में जाने के लिए। नेक्स्ट क्रम में आते हैं स्पेशल कीज में पेज अप, यानी कि हम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, और एग्जांपल में आप समझ लें कि उस पेज में आपने कई उस डॉक्यूमेंट में कई पेजेस बनाए हैं और पेज क्रम वाइज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप पेज अप का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पेज अप का लोकेशन है। नेक्स्ट हमारा पेज डाउन, यहाँ पे हम पेज डाउन को भी पाते हैं जो कि क्रम वाइज हमें पेज नीचे की तरफ प्रदर्शित करता है। इस तरीके से हमारा अगला आता है कीज का क्रम स्पेशल कीज में डिलीट। डिलीट या अर्थात डेल, शॉर्ट फॉर्म में डेल कहते हैं और ये डिलीट पूर्ण रूप है। डिलीट यानी किसी भी सेलेक्ट किए गए कैरेक्टर को या सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को या सेलेक्ट किए गए लाइन को हम यहाँ से आसानी से मिटा सकते हैं, समाप्त। अब यहाँ बात करते हैं अगले क्रम में कि डिलीट की है कहाँ। तो डिलीट की का लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिलीट की। नेक्स्ट हमारी की प्रिंट स्क्रीन, यानी कि हम यहाँ पे स्क्रीन जो डेस्कटॉप की स्क्रीन नजर आ रही है, अगर हमें स्क्रीन का स्नैपशॉट या पूरी स्क्रीन का फिगर लेना है, तो एक इमेज बना के रखना है, तो हमारी कीबोर्ड में एक की जिसे हम प्रिंट स्क्रीन की करते हैं, उस की का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम यहाँ प्रेस करते हैं और पूरी स्क्रीन प्रिंट हो जाती है। किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर हम इसे पेस्ट के माध्यम से ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारी की जिसे हम स्क्रॉल लॉक कहते हैं। प्रिंट स्क्रीन के जस्ट राइट हैंड साइड में स्क्रॉल लॉक की मिलती है,
जिससे हम स्क्रॉलिंग को लॉक कर सकते हैं। अगले क्रम में अब हम बात करते हैं दूसरे इनपुट डिवाइस की, माउस। जैसा कि आप स्क्रीन पे चित्र में देख रहे होंगे कि आपको एक हैंड में माउस नजर आ रहा है, तो माउस बहुत ही आसान इनपुट डिवाइस है जिसको हम स्मूथली अपने हथेली के नीचे रखकर बहुत ही आसानी से मूवमेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पे चलाने का तरीका थोड़ा सा आसानी से हमें समझना होगा कि हमारे पास पांच उंगलियां होती हैं, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, किसी से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको विंडोज के माध्यम से जाके सेटअप करना होता है लेफ्ट हैंड वालों के लिए। इस माउस को ही लेफ्ट हैंड, आगे के क्रम में हम बात करेंगे इसकी, लेकिन अभी हम माउस को केवल जानकारी के लिए समझ लेते हैं कि माउस में यहाँ पे हम माउस की पकड़ कैसे करेंगे। क्योंकि अगर माउस देखा जाए तो इसकी आकृति घर में हमारे चूहे जैसी होती है, इसलिए इसका नाम माउस रखा गया। और यहाँ माउस की बात करें, कंप्यूटर में माउस क्या करता है, तो ये भी वही कार्य करता है जो हमारे घर में इधर उधर घूमते हैं माउस, उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर में भी माउस का काम होता है इधर उधर मूवमेंट करना। तो किसी भी ऑप्शन तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। और ऐसे में हम यहाँ बात करते हैं माउस की, तो हमारे पास पांच उंगलियां होती हैं एक हाथ में, और अंगूठा आपको दिख रहा है जिस लोकेशन में है वैसे ही रखना है। आपके पास दो बटन यहाँ नजर आएंगी, इन दोनों बटनों को हम लेफ्ट और राइट बटन कहते हैं। राइट की पे राइट फिंगर को रखना है और लेफ्ट की पे लेफ्ट फिंगर को रखना है, और बाकी बची हुई दो फिंगर को साइड में हमको। अब माउस का मूवमेंट कराते हैं, लेकिन माउस के मूवमेंट से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ले लें। माउस हमारा दो प्रकार का है, एक मैकेनिकल दूसरा ऑप्टिकल। मैकेनिकल और ऑप्टिकल को हम पहचानेंगे, तो मैकेनिकल को पहचानने के लिए आपको माउस को उठा के देखना है, पलट के देखना है। तो माउस में जिस माउस के नीचे एक बॉल नजर आएगी वो हमारा होगा मैकेनिकल माउस, और यदि लाइट जल रही है तो आप समझ लें कि ये हमारा ऑप्टिकल माउस है। अब इन दोनों माउस की बात हो गई, की बात करें हम तो माउस में फंक्शन देखिए, यहाँ पे हमारे पांच फंक्शन लेफ्ट से होते हैं। ज्यादातर हम लेफ्ट बटन का ही इस्तेमाल करते हैं। एक क्लिक, दूसरा डबल क्लिक, तीसरा ट्रिपल क्लिक, ड्रैग और होल्ड। क्लिक की बात करें तो माउस की लेफ्ट बटन को एक बार दबाने की क्रिया को हम क्लिक बोलते हैं। लगातार दो बार दबाते हैं उसे डबल क्लिक कहते हैं, लगातार तीन बार दबाया उसे हम ट्रिपल क्लिक कहते हैं। नेक्स्ट ड्रैग की बात करें तो माउस की लेफ्ट बटन को दबाकर हम जब माउस को इधर उधर मूव कराते हैं तो उसे हम ड्रैग के नाम से पुकारते हैं। देन हमने माउस की बटन को केवल दबा लिया, वो हमारा होल्ड कहलाता है। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे राइट क्लिक। राइट क्लिक यानी कि हमारी माउस की जो राइट वाली बटन होती है उसको जब हम क्लिक करते हैं तो वो राइट क्लिक कहलाती है। यानी कि राइट क्लिक कहते ही हम अपने माउस अपनी राइट वाली फिंगर को प्रेस करते हैं। अब बात आती है स्क्रॉलर की। स्क्रॉलर की बात करें तो माउस के दोनों बटनों के बीच में एक व्हील लगी होती है, उस व्हील को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, यानी आगे और पीछे हम कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। तो स्क्रॉल का यूज करके हम डॉक्यूमेंट में दिए गए पेजों को अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे माउस के फंक्शन को समझने के लिए आपने देखा कि माउस में ये सारे फंक्शन यूज करते हैं। हम अपने उन इनपुट डिवाइसेस की जिन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से उपयोग करते हैं, तो पहला हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक की बात करें तो स्टिक होती है जो खुशी देती है, आनंद देती है, तो बच्चे गेम खेलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में गेम वाले सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। दूसरा आता है हमारा स्कैनर। इमेजेस, फोटोज, ये सभी अगर हमारे ऑन पेपर मौजूद है इनको हम स्कैनर के माध्यम से अंदर डाल सकते हैं या रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टच स्क्रीन, यानी कि हमारी जो विंडो डिस्प्ले होती है स्क्रीन पर,
उस स्क्रीन पर दिए गए कमांड्स को हम स्क्रीन के माध्यम से यानी टच करके अपने फिंगर्स यानी यूजर्स के फिंगर के जरिए इनपुट करा सकते हैं। इसके लिए उपयोग किया जाता है हमारा टच। नेक्स्ट लाइट पेन। लाइट पेन हमारी पुरानी डिवाइस है जो कि माउस के पहले यूज की जाती थी स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट को टच करने के लिए, हम टच करके भी एक्टिव कर सकते हैं, ऐसे में लाइट पेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैकर बॉल कहते हैं इसे। ट्रैक बॉल हमारा माउस जैसा ही एक शेप होता था। माउस में गोली नीचे होती थी यानी बॉल नीचे होती थी। यहाँ माउस के जैसा ही दिखने वाला ये डिवाइस जिसमें बॉल ऊपर लगी होती थी और हम उस बॉल को मूवमेंट दे करके इनपुट करते थे यानी माउस के पॉइंटर का मूवमेंट इधर उधर कर सकते थे स्क्रीन पर। नेक्स्ट आता है हमारा वेब कैम। हम पूरी दुनिया में कहीं भी अपनी तस्वीर को पहुंचा सकते हैं आसानी से या आपसे फेस टू फेस बातचीत भी कर सकते हैं वेब कैम के माध्यम से। तो वेब कैम दो तरीके के आते हैं, एक इनबिल्ट एक एक्सटर्नल आता है। दोनों में से जो भी बेहतर होता है, लैपटॉप में इनबिल्ट होता है और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में हम जरूरत के मुताबिक वेब कैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिजीकैम। डिजीकैम यानी डिजिटल कैमरा कहते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म में हम डिजीकैम के नाम से भी पुकारते हैं। डिजिटल कैमरा जो हमारा होता है ये डिजिट के माध्यम से इमेजेस को यानी फोटोग्राफिक्स को कैप्चर करने का कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। नेक्स्ट माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जैसा कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो ये एक इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन, जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा सकते हैं।